स्पाइनल कॉर्ड को एक बार फिर से देखते हैं ना। डीबीपी निकाल के रखे रहिए, तब तक चेक कर रहे हैं, याद है ना? हाँ याद होनी चाहिए। सुनते जाते, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, मान चलते हैं, क्लियर। ये हमारा पीछे की तरह स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है, इस स्पाइनल कॉर्ड को हम बाहर निकाले, क्लियर, साइड से ही निकाले। ये पोर्शन कैसा कहलाएगा? वेंट्रल। सामने वाला पोर्शन कैसा कहलाएगा? वेंट्रल पोर्शन कहलाएगा, क्लियर। पीछे वाला डॉर्सल। डॉर्सल को पीछे वाले को हम पोस्टीरियर बोल सकते हैं क्या? आगे वाले को इंटीरियर बोल सकते हैं क्या? यानी जब भी हम कभी भी बात करते हैं इंटीरियर की, तो आप समझ जाइए कि वेंट्रल सरफेस और इंटीरियर सरफेस सेम बात बोली जा रही है। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास ये पीछे की तरफ जो पाई जा रही है, क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मुझे स्पाइनल कॉर्ड के TS कट करने हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्लियर। अभी तक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हमने कट किया है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर इसका TS कट करेंगे, तो TS कट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे ना, और आपको ऐसे दिखाएंगे। तो हमें यही बात याद रखना है कि ये सामने वाली जो दिखाई दे रही है, ये वेंट्रल सरफेस कहलाएगी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर सरफेस बोल सकते हैं। पीछे की तरफ जो नजर आएगी हमें, उसे हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल सरफेस बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस। जब मैं आपको ऐसे कट करके दिखाऊंगा, तो डॉर्सल सरफेस किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, और पोस्टीरियर सरफेस ऊपर की तरफ, और वेंट्रल सरफेस कहाँ की तरफ जा रही है? नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आई? यानी हमने ये कहा कि ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस, वेंट्रल सरफेस, जब ये हम नीचे की तरफ ऐसे कट करके दिखाएंगे, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जब ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यानी हमारे पास है, जब हम TS कट करते हैं किसी भी वर्टिब्रल कॉलम का, यानी स्पाइनल कॉर्ड का, तो हमें ये चीज़ें नजर आएंगी, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर। फिर इनके अंदर जितनी भी खोखली चीज़ें होंगी वो नज़र आएंगी, और इनके जो खोखली चीज़ें होती है, इनको हम मेटासील बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मेटासील। कभी भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। होता क्या है कि मिड ब्रेन में एक कैविटी नज़र आती है, उसको हम डाईसील बोलते हैं, क्लियर। तो यानी हमारे पास क्या है कि कोई भी सील याद नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जनरल पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ख़त्म होती है, ये हमारे पास कैसे वेंट्रिकल होते हैं बताइए, फोर्थ वेंट्रिकल ख़त्म होता है, और जैसे फोर्थ वेंट्रिकल खत्म होता है, तो ये मेटासील को ही बोल देते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल को ही, क्लियर। और ये जा करके हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। एक पॉइंट मुझे हमेशा याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वो लास्ट पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लेंगेटा से एराइज होता है। अब मेडुला ऑब्लेंगेटा जब हमारे फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलती है, तो उसी मेडुला ऑब्लेंगेटा का नाम बदल जाता है स्पाइनल कॉर्ड,
सच बात ये है, यानी हम ये कहेंगे कि कभी भी मेडुला ऑब्लेंगेटा अगर हमारे पास फोरामिन मैग्नम के ऊपर पाया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लेंगेटा बोलेंगे। बट यही हमारे पास फोरामिन से अगर बाहर निकल आ रहा है, ठीक है, अब जहां से फोरामिन मैग्नम स्टार्ट हुआ उसके बाद से जितने भी हमारे पार्ट आएंगे सब के सब किस में कंसीडर किए जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के। यानी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा टर्म यूज किया जाता है आफ्टर द फोरामिन मैग्नम। इतनी बात क्लियर आ गई? यानी यहां से फोरामिन मैग्नम से जैसे ही बाहर निकला सीएनएस हमारा, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड जो टर्म होता है वो किसके लिए किया जाता है, आफ्टर द फोरामिन मैग्नम। ये बात याद रखना है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ बातें ध्यान से समझनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे छूटी हुई हैं उसको हम क्लियर करते चल रहे हैं। हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं बताइए, वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं, 26। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको हमने बोला वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा क्या है बताइए, वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास वर्टिब्रल है। अब वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास क्या होते हैं कि कई कई जगह पे कितने पाए जाते हैं, 26 पाए जाते हैं, और कई कई जगह पे कितने पाए जा रहे हैं, 33 पाए जा रहे हैं। क्लियर? 26 में हमारे पास क्या होगा, C7 होगा, T12 होगा, और हमारे पास L5 होगा, S5 होगा, सॉरी S1 होगा और C1 होगा। ऐसा ही था। फिर हमने ये कहा कि C7 यहाँ पर, T12 हमारे पास यहाँ पर, L5 यहाँ पर, S5 यहाँ पर और C4 यहाँ पर। क्लियर? कुछ इस तरीके के वर्टिब्री हैं। हमारे पास क्या होता है कि इनके बीच में यहाँ पर एक छेद नजर आएंगे बट फोरामेन नहीं कहे जाएंगे। क्लियर? यानी हमने इनको क्या बोला, ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस है। क्या बोली जाती है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस होती है। इस इंटरवर्टिब्रल स्पेस की बात कर लेते हैं, ध्यान समझेंगे। इनको हम क्या नाम देते हैं, इंटर वर्टिब्रल स्पेस बोलते हैं। और इन्हीं के पास क्या पाए जाते हैं, यहीं से स्पाइनल नर्व निकले रहते हैं, यहीं से हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व निकलते हैं। ठीक है, एक यहाँ से स्पाइनल नर्व, एक यहाँ से स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व पेयर में ही पाए जा रहे हैं। यानी हर एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस से क्या निकलते हैं बताइए, ऐसे कितने वर्टिब्री है हमारे पास, 26 है। ऐसे हमारे पास कितने वर्टिब्री है, 33 है। यानी टोटल हमारे पास क्या होते हैं, 31 पेयर में हमारे पास निकलते हैं स्पाइनल नर्व। कितने नर्व, यानी हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ से निकले हैं, क्या क्या बताया हमने, यहाँ से निकले हैं स्पाइनल नर्व। ये हमारे पास है स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है वो 31 होती है, वो भी पेयर्स में, 31 पेयर्स पाई जा रही है स्पाइनल नर्व। डैड पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, कितने बताएंगे, 31। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, स्पाइनल नर्व कहाँ कहाँ होती है। क्लियर? ये मोबाइल नंबर याद रखना है, मोबाइल नंबर क्या है, सेम वही बात आती है, C8 T12 L5 S5 C1। समझ आई बात, नहीं समझ आई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये 8 था, ये 12 था, ये 5 था, ये 5 था, ये 1 था, C T L S C। चलिए, हाउ मेनी स्पाइनल स्पाइनल नर्व अगर बात करेंगे, ठीक है, क्रैनियल स्पाइनल नर्व कितने पाई जाती हैं, क्रैनियल बोला है, सर्वाइकल नहीं, मारेंगे, पहले शब्द को ध्यान से सुनना है। समझ आई बात, पहला क्वेश्चन ये फंसाएंगे, जहाँ पे सी टर्म आता है हम लोगों का ध्यान से किधर जाएगा, क्रैनियल की तरफ, नर्व भी नजर आएगा, जबकि क्रैनियल नर्व 8 पाई जाती है, और हमें सटीक भी आते हैं कि 8 यहाँ पे दिख तो रहा है, ये भी दिख रहा है, बट मैंने आगे शब्द क्या लगाया, स्पाइनल, वो नहीं याद रखना। समझ आई बात। दूसरा पॉइंट, हमें ये बताइए कि हाउ मेनी कॉक्सियल नर्व इन ह्यूमन बींग्स, पहले हाउ मेनी कॉडल नर्व इन ह्यूमन बींग्स,
कॉर्डल नर्व इन ह्यूमन्स। कॉर्डल नर्व का संख्या बताइए कितने पाए जा रहे हैं। अरे बता दो, वन पाए जा रहे हैं, बोलिए। चलिए जीरो। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लियर। चलिए कॉक्सियल नर्व कॉक्सियल नर्व मोबाइल बंद कर दो, गिनी तू। अरे सब दिखता है यहां से ब्रो, एक बार तुम यहां खड़े होगे ना, पैंट का नाड़ा दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है? बता तो रहे हैं, नजरे सुबह सर बहुत तेज हैं। हाँ बताइए, कॉडल नर्व कितने? जीरो। कॉक्सियल नर्व, सब कुछ क्वेश्चन है PYQ में, कितने? गूगल बाबा ने साथ दे दिया ना। हाँ ठीक है, दो। पेयर नहीं बोला है, ठीक है, नर्व बोला है। समझ आई बात? ये बात हमेशा याद रखना, पेयर की बात नहीं की ना हमने। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान समझिए। स्पाइनल कॉर्ड यहां से लेकर के यहां तक चली, जिसकी लंबाई लेंथ कितनी थी बताइए? 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, क्लियर। जिनका जो वेट था, वेट कितना था बताइए? 35 ग्राम। यानी यहां से लेकर के यहां तक की ही लंबाई काउंट की जा रही है, क्लियर। यानी ये लंबाई कितनी है बताइए? 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। बाकी ये क्या है? आपके मन में यही सवाल उठ रहा है, बाकी ये क्या है? क्लियर, ये एक्सटेंशन है किसका? पाया मैटर का। ये किसका एक्सटेंशन है? यानी स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे आकर के हमारी खत्म हो चुकी है, इसके बाद जो आ रहा है वो पाया मैटर का एक्सटेंशन है। और जहां पे ये खत्म हो रही है L1 और L2 पे जाकर के, इसी को हमने बोला है कोनस मेडुलरिस। इसी को हमने क्या बोला है? कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस को अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट पार्ट, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि ये जाकर के यहां से लेकर के यहां तक क्या है? आप ये देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक की जो संख्या है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आसपास इतना एक्सटेंशन बढ़ जाता है अपने आप, क्लियर। और इसको हमने बोला है यहां पे आकर के फाइलम, फाइलम टर्मिनेलिस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। कैसा पार्ट है? एक्स्ट्रा पार्ट है, और वो भी किसका एक्सटेंशन है? चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। हमारा नर्वस पार्ट कहाँ तक होगा? नर्वस पार्ट कहाँ तक है? जहां तक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक है? यहां तक। यानी यहां से यहां तक के बीच को नॉन नर्वस पार्ट बोल सकते हैं, बोलिए। यानी इसका ये कैसा पार्ट है बताइए? नॉन नर्वस पार्ट है, क्लियर। यानी स्पाइनल नर्व यहां से निकले ही नहीं, क्लियर। रुक जाइए, अब सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि हमारे पास ये वाली जो पेयर है 8 12, ये जो 20 होते हैं स्पाइनल नर्व, वो पेयर में क्या होते हैं? ऐसे निकले रहते हैं, क्लियर। बाकी कितने? 5 5 और 8। यानी ये जो 11 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। 11 पेयर का मतलब 22, समझ आई बात? यानी हमारे पास जो 11 पेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये आगे चल करके यहां तक, ध्यान से देखिएगा,
ये यहाँ से पेयरिंग हो रहे हैं, यहाँ पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ऐसे स्पाइनल नर्व निकले चले जा रहे हैं, ऐसे स्पाइनल नर्व निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट के आपको बताए गए हैं कितने पेयर में, 5 5 1, यानी 5 5 1 जो दिए गए हैं, वो क्या करते हैं, ये इनके पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए, इनके पैरेलल हो जा रहे हैं, इनके पैरेलल हो जा रहे हैं, इनके पैरेलल हो जा रहे हैं, इनके पैरेलल हो जा रहे हैं। समझ में आई बात? इनके जो पैरेलल हो रहे हैं, इनके लिए मैंने क्या शब्द यूज किया था, याद नहीं आएगा, कॉर्डाइक क्वेना। क्लियर? कॉर्डाइक क्वेना क्या था बताइए? हमारे पास फाइलम, ठीक है, टर्मिनेलिस के पैरेलल, इक्वेना का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, इक्वली जो जा रहे हैं, ठीक है, तो फाइलम टर्मिनेलिस के साथ साथ जो पैरेलली रन कर रहे हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व, वो उसी को क्या कहेंगे, कॉर्डाइक क्वेना। समझ आ रही बात? यानी कॉर्डाइक क्वेना क्या है, हमारे पास जो स्पाइनल नर्व निकल रहे हैं किसके पैरेलल बताइए, किसके पैरेलल, फाइलम टर्मिनेलिस के पैरेलल, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है, कॉर्डाइक क्वेना। अब समझ आई बात कॉर्डाइक क्वेना क्या है? फिर यही कॉर्डाइक क्वेना क्या बना रही है, पोनीटेल बना रही है, कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्लियर? जल्दी करिए। ये बीच में जो कैविटी जा रही है इसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। इनके अंदर क्या भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है। क्लियर? हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को एक नंबर ही याद दिला दिया गया था, ठीक है, 712 511, पहला वर्टिब्रिक में, और ये दिख रहा है 712 511। क्लियर? और यहाँ पे याद दिला गया था 812 551। नंबर इधर सैक्रल के बाद क्या आएगा बताइए, यहाँ आने के बाद कॉकिक्स आ जाएगा, ये तो वर्टिब्री है ना, ये स्पाइनल नर्व है ना। आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि सर सारे वर्टिब्री में स्पाइनल नर्व तो नहीं पाए जाते, क्योंकि स्पाइनल नर्व तो यहीं पा करके खत्म हो गया ना, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्री हमारा यहाँ तक हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वर्टिब्रल कॉलम की जो हमारे पास लेंथ है वो बड़ी हो गई, और जबकि इनकी लेंथ क्या है, छोटी रह गई, ये यहीं तक रह गया ना, वर्टिब्री हमारे यहाँ तक आए ना, ऐसा क्यों, क्योंकि बर्थ के बाद इंसान का क्या होता है, ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है, तो वो ग्रोथ करता है, उनकी बॉडी ग्रोथ करती है, बट स्पाइनल नर्व हमारे पास जितने हैं उतने ही रह जाते हैं। समझ रहे बात हमारी? यानी क्या होता है कि बर्थ के बाद इंसान की ग्रोथ तो होती है, स्पाइनल नर्व की संग हमारे पास लेंथ इतनी ही रह जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, इसलिए क्या होता है, वर्टिब्री यहाँ तक पहुँच जाती है और स्पाइनल कॉर्ड यहीं तक रह जाता है। क्लियर? अगर यहाँ तक होता तो, यहाँ तक होता तो पूछ हमारे भी होता फिर, समझ आई बात है? अगर स्पाइनल नर्व यहाँ तक होता तो हमारे भी पूछ होती और वो पूछ भी डायरेक्शन देती, क्लियर, वहां से भी स्पाइनल नर्व निकलते, सोचा गजब का ग्रोथ है ना, समझ रहे बात? यानी इसके बाद अगर स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी ग्रोथ हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ हो रही है। क्लियर? स्पाइनल, हाँ क्या कह रहे हैं, 26 पेयर ना होने से, अगर वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ नहीं हो रही है, लेंथ वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री उतनी ही रहती है, ठीक है, अगर किसी का हाइट अगर 4 फीट अगर आपकी बताई जा रही है, उनके अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम उतना ही पाए जाएंगे, 26 ही पाए जाएंगे, उनका लेंथ बहुत छोटा छोटा होगा, समझ रहे बात है? यानी वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास उतना ही रहेगा, 26 ही रहेगा, चाहे आपकी लेंथ 4 फीट की हो, 3 फीट की हो, 2 फीट की हो, चाहे जितनी फीट की हो। क्लियर? लेंथ उतना ही रहेगा, बट उनकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में डिफरेंस आएगा, किस में डिफरेंस आएगा, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में डिफरेंस आएगा, समझे? अब
ये तो एलएस था, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट किया था। अच्छा ये क्या है, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये लाइनिंग जो है, कोई बता दे, कोई बता दे, ये लाइनिंग क्या है, ये गोल गोल बच्चा क्या है, ये लाइनिंग क्या है, याद दिलाएंगे अपने आप पे शर्म आएगी, याद दिला दे, ये लाइन, बता दे एक बार और चांस दे रहे हैं, ये एक लाइनिंग थी, इसके ऊपर एक लाइनिंग ऐसे ऐसे गई है, फिर एक लाइनिंग ग्रीन कलर की गई है, फिर यहाँ पे कुछ और कलर की गई है, ये क्या है लाइनिंग, समझाएं, बता दे, सही बता रहे, कहीं से आवाज गलती से आई लेकिन सही आई, मेनिंजेस है, सही है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या होती है कि हर जगह इसको कवर कौन कर रहा है, मेनिंजेस ही कर रहे हैं। आउटर वाली क्या है, ये आउटर वाली ड्यूरामेटर, अंदर वाली एरेकनॉइड, ये वाली, ऐसी कौन सी मेनिंजेस है जो लास्ट तक साथ देती है, पायामीटर, ये एक बार का क्वेश्चन था, ठीक है। यानी इन कौन सी मेनिंजेस ऐसी हैं जो लास्ट पार्ट तक, लास्ट तक साथ देती है किसी भी स्पाइनल कॉर्ड तक भी, यानी ये साथ छोड़ दी कुछ समय के बाद, ये भी छोड़ दी, ये लास्ट तक साथ दिया, यहां तक दिया, पायामेटर, समझ आई बात है, ये पॉइंट ध्यान से, अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी है तो फिजियोलॉजी आपकी अच्छी होगी, जब तक डायग्राम आपके सामने नहीं होता है तो एनाटॉमी के क्वेश्चंस आपको हवा नहीं लगते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। जब आपके साथ अगर सामने डायग्राम बना हुआ है तो सारी चीजें आसान लगती है, कि इससे आसान तो कोई है ही नहीं, बट आपके दिमाग में वो जहन में बना रहना चाहिए इमेज, अगर हम इस तरीके के इमेज बना रहे हैं तो आपके माइंड में बनना चाहिए किस तरीके का कैसा स्ट्रक्चर है, क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलिए हेडिंग डालते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, अभी बनाएंगे नहीं, अभी आप केवल देखेंगे, थोड़ा आप लोग साइज बनाएंगे ऊपर ना, ऐसे ही नीचे के लिए स्पेस रखेंगे। देखते हैं ऐसे, इधर देखिएगा, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ऐसा था, क्लियर, स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ अंदर, क्लियर, यहाँ पे अंदर एक क्या बनाया था, कैनाल बनाया था, सेंट्रल कैनाल। जब हम आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे तो सेंट्रल कैनाल कहाँ नजर आएगा, बीच में, यानी ये जो नजर आ रहा है यही हमारा क्या है, सेंट्रल कैनाल है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि अगर लेटरल साइड से मैं दिखा रहा हूँ, लेटरल साइड से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे पास इंटरवर्टिबल स्पेस नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, और ऐसे अगर दिखाया
तो एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस इस तरफ, एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस इस तरफ, मैं कोई एक स्पेस नजर दिखाया, यानी यही सेम स्ट्रक्चर इस तरफ भी बना होगा। क्लियर? यानी लेटरल स्पेस हमारे पास ये इस तरीके से दिखाया, यहाँ पे क्या बनाया हमने बताइए, सेंट्रल कैनाल, ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस वो वाला, और ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस इधर। हम सिर्फ और सिर्फ एक जगह का दिखा रहे हैं आपको, समझ में आई बात? सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, इनमें क्या क्या नजर आती है, ध्यान समझिए। ये अगर दिखाया ये कुछ इस तरीके के ऐसे बनाए थे, ठीक है, हमने इसके ऊपर वाला पार्ट क्या नजर आएगा? अरे इसके ऊपर की सरफेस, मान ली कि ये वेंट्रल था, ये डॉर्सल था, ऐसे किया तो डॉर्सल कहाँ जाएगा? यानी यहाँ पे हम किसको बोल सकते हैं, इनको डॉर्सल रूट बोल सकते हैं, डॉर्सल सरफेस, या इनको हम पोस्टीरियर पोर्शन बोल सकते हैं, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेलेक्ट करके ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। लग गया, फिर जाऊंगी क्या मैं? ठीक है, सुनते ध्यान से। अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये वेंट्रल, या इसी को हम इंटीरियर बोलते हैं, बोला हमने इंटीरियर। यहां तक बात समझ में आई? हमें यहाँ पे कुछ टर्म याद रखनी है बस, क्या याद रखने हैं, टर्म याद रखने। जैसे यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, एक हमारे पास यहाँ पर डॉर्सल रूट पाए जाते हैं, या पहले डॉर्सल नर्व हम लिख लेते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व, वेंट्रल हॉर्न बोल रहे हैं हम, चलिए ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, डॉर्सल हॉर्न बोल दिया, इनको हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न बोला, इनको हमने वेंट्रल हॉर्न बोला। क्लियर? लेटरल हॉर्न कहाँ आएगा? ये तो गायब ही हो गया ना, क्लियर? ये हमारे लेटरल हॉर्न आएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, लेटरल हॉर्न बोलेंगे, क्लियर? और ये हमारे पास वेंट्रल हॉर्न। दूसरा हमें टर्म याद रखना है डॉर्सल रूट, क्या याद रखना है, डॉर्सल रूट, यहाँ पे कैसे रूट, यहाँ पे कैसे रूट, वेंट्रल रूट, क्लियर? यहाँ पर एक न्यूरॉन पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। रिफ्लेक्स एक्शन इसी में खत्म होगा, समझ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ाने की, क्लियर? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। आप केवल दिमाग में इमेज बनाते जाइए बस, कैसे कहाँ पाए जा रहे हैं, क्लियर? फिर यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था बताइए, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, सेंट्रल कैनाल है, जिसके अंदर क्या भरा गया है, ये सब भरा गया है, क्लियर? यानी यहाँ पे सेंट्रल कैनाल हम मान चलते हैं। लेटरल हॉर्न समझ में आया, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। अब सुनते ध्यान, लेटरल जो हॉर्न होते हैं ये मैमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, सभी में हमारे पास लेटरल हॉर्न नहीं पाई जाती, और ये भी बात याद रखना है कि सभी स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के सभी स्ट्रक्चर में लेटरल हॉर्न जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, समझ आई बात? यहाँ पर क्या होता है कि लंबर के नीचे जितने भी सर्वाइकल पाए जा रहे हैं वहां पे तो स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं होंगे, अपर सर्वाइकल में वहां पे भी स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से लेटरल हॉर्न नजर नहीं आते, समझ आई बात? लेटरल हॉर्न नजर कहाँ आएंगे, T1 से लेकर के T12, यानी सर्वाइकल में लेटरल हॉर्न नजर नहीं आएंगे, लंबर में L1, L2, L3 इनमें नजर आएंगे, ठीक है, सेक्रम में S1 और S2 में नजर आएंगे, क्लियर?
इन सब में नजर आना है ये लेटरल हॉर्न, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें ये नजर आना है कि अब यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर है, क्लियर। टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर यही है। अब थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का। हमारे पास स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए कई सारे सरफेस होते हैं, जैसे ये हमारे पास सरफेस है। इस पेन को मैं यहाँ भी ऐसे टच कर सकता हूँ, यहाँ भी ऐसे टच कर सकता हूँ, बोली बात सही है। यानी इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास कई सारे न्यूरॉन निकलेंगे, क्लियर मैसेज को। और वो मैसेज किसके थ्रू आएंगे यही बात याद रखना है। जैसे अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, यहाँ से खेल स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। यहाँ पर कोई ना कोई स्टिमुलस मिला, मान चलते हैं यहाँ पे कोई ना कोई हमें क्या मिला, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद यहाँ से न्यूरॉन एराइज हुई, यानी ये न्यूरॉन क्या कहलाए, कैसे न्यूरॉन, सेंसरी, बोलिए बात सही है, सेंसरी नेचर की है। सेंसरी नेचर यहाँ आएगी और यहाँ से मैसेज लेकर के आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ये मैसेज लेकर के ऐसे 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 आ रही है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनाती है, यानी ये स्यूडो यूनिपोलर है, क्लियर। और यहाँ से ये मैसेज लेकर के यहाँ जा रही है, क्लियर। यहाँ टीलोडेंड्रिया, 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 टीलोडेंड्रिया का मतलब समझ रहे हैं, एग्जॉन का टर्मिनल पार्ट टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। शब्द बदल दिया तो तुम लोग जीप बोल रहे हो, यानी ये एग्जॉन टर्मिनल है, क्लियर। अब यहाँ से कुछ न कुछ एसोसिएटेड एरिया पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, आपको क्या लगता है, बोलिए। एसोसिएटेड एरिया किसकी बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड नर्व की, याद आ रही है, यानी माइलिनेटेड नर्व की बनी है। यहाँ पे एसोसिएटेड एरिया इसको रिसीव करेगा और यहाँ से फिर साइटोन वाला पार्ट यहाँ से दूसरा न्यूरॉन को ये मैसेज लेकर के जाएगा, और ये यहाँ पे क्लियर लेकर के गया। और ये किसके किस रूट से लेकर के जा रहा है, वेंट्रल हॉर्न से लेकर के जाएगा। वेंट्रल हॉर्न के बाद कहाँ जाएगा बताइए, वेंट्रल रूट के पास जाएगा, और वेंट्रल रूट से कई सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन निकले रहते हैं। कैसे न्यूरॉन निकलते हैं, मल्टीपोलर, क्यों, क्योंकि इसको अगर एक स्टिमुलस जा रहा है अगर हमारी बॉडी में आया, जैसे इन्होंने हमें पेन चुभोया, ठीक है, बहुत तेजी से, और पता नहीं कौन सी सुई थी, इन्होंने हम पढ़ा रहे थे अचानक आकर कैसे किए, उस दौरान हमारे बॉडी में चार पांच रिएक्शन एक साथ होंगे। पहले तो हम अचंभित होंगे क्या हुआ, फिर दूसरा हमारा हाथ उड़ जाएगा इनके ऊपर, तीसरा हमारे आंखों से आंसू आएगा, कई सारे एक साथ फंक्शन होंगे, बोली बात सही है। यानी एक स्टिमुलस के कई सारे रिस्पॉन्स होते हैं, और जब कई सारे रिस्पॉन्स होंगे उनके लिए मल्टीपोलर न्यूरॉन की जरूरत हमें पड़ेगी। मल्टीपोलर न्यूरॉन अलग अलग डायरेक्शन में लेकर के जाएगा मैसेज को, समझ में आई बात, यानी ये मैसेज ये कई डायरेक्शन में जाएंगे, कई डायरेक्शन में, यहाँ भी जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे भी आए, अलग अलग डायरेक्शन हमने बता दिया, समझ में आया। और जिसके थ्रू निकल रही है, यहाँ पे क्रॉस बन रही है, इसको हम बोलते हैं रामस कम्युनिकस, क्लियर। और रामस कम्युनिकस ये क्रॉस है, ये कहाँ पे पाई जा रही है, ये जो स्पेस पाई जा रही है कौन सी स्पेस है बताइए, इंटर वर्टिब्रल स्पेस। इतनी बात समझ में आई, ये हमारे पास क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम में कोई भी अगर स्टिमुलस से रिसेप्टर अगर रिसीव करता है मैसेज तो किसके थ्रू लेकर के जाएगा, अरे बोलिए किसके थ्रू लेकर के जाएगा, डॉर्सल रूट के थ्रू लेकर के जाएगा और डॉर्सल हॉर्न में लेकर के जाएगा, ठीक है। और डॉर्सल हॉर्न से मैसेज आएगा किसके पास, हमारे सेंट्रल कैनाल के पास, और वहां पर इंटरप्रिटेशन होता है, वही बातें, तीन चीजें क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन, बोलिए याद आ रही है, इंटरप्रिटेशन और रिस्पॉन्स, समझ आई बात, यानी ये तीन चीजें होंगी तभी जाकर के हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, क्लियर। यानी ये क्या है कि रिस्पॉन्स कई तरीके के होंगे ना हमारे। अब इन्होंने पिंच भोया, इन्होंने पिंच भोया, ठीक है, इनको दो हाथ दे दिए, इनको प्यार से सहला रहे, समझा रहे कि बेटा ऐसा नहीं करते, दिस इज बैड हैबिट, ये सारी बातें कहानी सुना रहे हैं, यानी कई सारे कहानी हो सकते हैं कि नहीं। यानी यही रिस्पॉन्स की बात आ रही है कि इंटरप्रिटेशन की बात, इनको मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं पहचाना था, इसलिए हाथ उठ गया, इनके तो रोज मिल रहे हैं, क्लियर।
कितने तरीके के रिस्पॉन्स हो रहे हैं, इसलिए हमें कितने किसकी जरूरत पड़ती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन की, समझे बात। और ये जहां से क्रॉस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रामस कम्युनिकस। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सा फंडा ये याद रखना है, पाथ ऑफ नर्व इंपल्स। समझ आई बात, जब भी स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी नर्व इंपल्स का पाथ होगा तो पाथ बताइए कहां से कहां जाएगा, याद आ रही है। फिर यहां से आने के बाद समझ आई बात, कोई भी स्टिमुलस रिसीव करेगा, और कौन सी स्टिमुलस, कौन सी न्यूरॉन रिसीव करती है, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाती है कहां पर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के पास, और वहां से वो कहां लेकर के जाएगी, डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट से कहां लेकर के जाएगी, डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न से सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल से फिर इंटरप्रिटेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, रिस्पॉन्स किसके पास आता है, वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू सभी जगह, ये हमारा मोटर न्यूरॉन हो गया ना, क्लियर। ये मैसेजेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दे देता है, ये हो सकता है ऊपर भी जाए, क्यों, क्योंकि जहां से पिन चुभोया उसको हाथ को भी तो हटाना है, क्लियर, यानी वहां से भी और यहां से कई सारे डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूरॉन जाएंगे। एस टू कर दीजिएगा, एस थ्री कर दीजिएगा, एस फोर कर दीजिएगा, एस वन में नहीं होते ना लिटरल हॉर्न, क्लियर। अब सही है, एस वन में आकर के तो हमारे पास फाइलम टर्मिनलिस ही खत्म हो रहा था, क्लियर। इस तरफ थोड़ा जगह छोड़े रखिएगा ना, इतना ज्यादा नहीं, जितना हो उतना चलेगा, ठीक है। क्लियर, जितना हमने छोड़ा उतना छोड़ेंगे चलेगा। ये T1 से लेकर के T12, फर्स्ट थोरेसिक से लेकर के 12th थोरेसिक, लंबर 1, 2, 3, सेक्रल में हमारे पास 2, 3, 4 है, क्लियर। आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे, आराम से बैठे रहिएगा, क्लियर। जितने भी होने वाले क्वेश्चन होंगे लगभग लगभग सभी तुम पीछे से हटो, यहाँ आओ, तुम्हें नहीं, नहीं दादाम को भी नहीं, सबसे पीछे, हाँ सबसे आप ही इधर आ गया जी, बैठिए, पीछे मन नहीं लग रहा तुम्हारा, उठो उठो वहाँ से, हाँ हाँ आप ही, हाँ हाँ तुम ही उठो, इतना वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझे समझते हैं, ध्यान से सुनना, क्लियर। हमने ये कहा कि हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम का ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा कैसा है, वेंट्रल सरफेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर सरफेस। ये वेंट्रल सरफेस के बाद हमारे पास पीछे की तरफ जो नजर नहीं आ रही आपको, वो क्या कहलाएगा, डॉर्सल सरफेस, या डॉर्सल सरफेस का दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। अभी तक हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम कट कर रहे थे तो सभी तरीके के हमारे पास पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड लेयर नजर आ रही थी, स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से नाम लिया जाएगा, आफ्टर दी फोरामिन मैग्नम से। फिर हमने वहाँ पे बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्री, और हमारे पास थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सियल, ये सारी बातें बताई थी। फिर उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पेस के बारे में भी बताया था, और वहीं से क्या होती है, स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ठीक है, पास होती हैं। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास सर्वाइकल स्पाइनल नर्व में 8 होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं, सेक्रल में 5 होती हैं, कॉर्डल में हमारे पास नहीं होती, कॉक्सियल में होती हैं। समझ में आई बात। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि अगर हम बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने की, तो जब भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आगे की तरफ नजर आया, ये जो गोला सा नजर आ रहा है, ये अब क्या हो जाएगा, सेंट्रल कैनाल हो जाएगा। अभी तक सेंट्रल कैनाल ये था, अब यहाँ पे सेंट्रल कैनाल ये हो गया, ठीक है। सेंट्रल कैनाल अगर ये हो गया तो इनके अंदर की जानकारी हमें ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने से मिल जाएगी, क्लियर।
और जब भी हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। कैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जो हमारे पास इंटरवर्टिबल स्पेस हुआ करते थे साइड साइड में, अब हमने साइड में, हमने यहाँ पे साइड में दिखाया इंटरवर्टिबल स्पेस, ठीक है। एक इस तरफ भी इंटरवर्टिबल स्पेस, एक इस तरफ भी इंटरवर्टिबल स्पेस नजर आएंगे। फिर हमने ये कहा कि हमारे बीच में सेंट्रल कैनाल पाए जा रहे हैं, यहाँ पे तीन तरीके के हॉर्न नजर आते हैं। हॉर्न का मतलब होता है सीन, ठीक है। तो यानी एक हॉर्न हमारे पास क्या होता है, डॉर्सल हॉर्न, और एक हॉर्न होता है हमारे पास कौन सा, वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न कहाँ की तरफ पाया जाएगा, ऊपर की तरफ। वेंट्रल हॉर्न कहाँ की तरफ पाया जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर लेटरल हॉर्न कहाँ की तरफ नजर आएगा, बगल की तरफ, यानी बगल लेटरल साइड में हमारे पास लेटरल हॉर्न नजर आएंगे। हमने ये कहा कि लेटरल हॉर्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मैमल्स की, बट जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर पाई जाए, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि जरूरी नहीं है कि सभी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाए लेटरल हॉर्न। और पाई कहाँ कहाँ जाएगी, फर्स्ट थोरेसिक से लेकर के 12th थोरेसिक हमारे पास स्पाइनल नर्व के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी किसके में, लंबर 1 में, 2 में, 3 में भी पाई जाएगी। सेक्रम में हमारे पास कौन सी 2, 3 और 4th में हमारे पास पाई जाएगी, यानी यहीं पे प्रेजेंट होती है हमारे लेटरल हॉर्न और कहीं नहीं नजर आएगी, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास किसी भी तरीके के नर्व इंपल्स अगर आते हैं, क्लियर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो स्टिमुलस को रिसीव करा जाएगा, और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद रिसेप्टर उसको रिसीव करता है और रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू लेकर के आता है। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन होती है, इनकी जो नेचर होती है वो स्यूडो यूनिपोलर होती है। कैसी होती है, स्यूडो यूनिपोलर। और ये ले जाती है किसके थ्रू, डॉर्सल रूट के थ्रू, कहाँ पर, डॉर्सल हॉर्न के पास। और डॉर्सल हॉर्न ले जाता है कहाँ पे हमारे पास, यही हमारे सेंट्रल कैनाल के पास। वहां पे क्या पाई जाती है, कुछ माइलिनेटेड नर्व फाइबर के ट्रैक्ट पाए जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड एरिया। और एसोसिएटेड एरिया क्या कहलाता है बताइए, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, फिर रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी अगर कोई भी हमें टच करता आंख बंद करने के बाद, कई बार हम लोग होते हैं कि पीछे से आंख बंद कर लेते हैं हमारे ना, तो हम हाथ टच करके बता सकते हैं कि ये इंसान ऐसा है, क्लियर। कई बार ये खेल खेले हो कि नहीं, तुम लोग नहीं खेल खेला है, तुम्हारे दोस्त ऐसे आंख बंद करके नहीं बोलते पूछो कौन, नहीं देखा है, चलो हमारे ही हरामी थे, ठीक है, तुम लोग तो सीधे हो, ठीक है, सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या है कि ये डॉर्सल हॉर्न की पीछे आई कहानी, यानी नर्व इंपल्स हमेशा किसके थ्रू आता है, किस रूट के थ्रू, डॉर्सल रूट के थ्रू। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पर ये एसोसिएटेड एरिया सेंट्रल कैनाल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये मैसेज लेकर के जाती है कहाँ पे, वेंट्रल हॉर्न के पास। और वेंट्रल हॉर्न से कहाँ जाएगी ये मैसेज, वेंट्रल रूट। और वेंट्रल रूट से ये न्यूरॉन किसके पास जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट कराता है और ये अलग अलग डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देता है, और किसके थ्रू देगा, रामस कम्युनिकस। अब यहाँ से कुछ बातें हमें नोट डाल करके अब यहाँ समझना है, क्लियर। अब यहाँ से समझाते हैं हम आपको। एक होता है हमारे पास क्या कि ये मोटर न्यूरॉन है, इनके थ्रू लेकर के गया। कई बार मैसेज तो ऐसे भी तो आते होंगे, ये स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिला, इनके थ्रू आया, इनके थ्रू आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब ये एसोसिएटेड एरिया से मिला नहीं, क्या बोला हमने, ये एसोसिएटेड एरिया से मिला नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार रिस्पॉन्स जनरेट कराने में हमें समय लगता है और कई बार समय बिल्कुल नहीं लगेगा, क्लियर। जैसे अगर किसी भी जलती हुई तवे पे अगर हमारा हाथ गया, ठीक है, रोटी बन रही थी अचानक और फिर वो तवा गर्म था, कढ़ाई गर्म थी, हमने अचानक हाथ रखा, तो क्या मैं ये सोचूंगा क्या हटाऊं कि ना हटाऊं, हटाऊंगा तो ठीक रहेगा, नहीं हटाऊंगा तो जल जाएगा, डॉक्टर पैसे लेगा, हटाएं कि ना हटाएं, क्या इतना सोचने का समय लेते हम, यानी इस एसोसिएटेड एरिया में जाने का समय ही नहीं है, वो डायरेक्ट लेकर के जाएगा, चल बेटा यहाँ, ये तुरंत यहाँ से आएगा फिर ये यहाँ ले जा करके यहाँ पे लेकर के जाएगा, फिर अलग अलग जगह पे जाएगा। दो तरीके के न्यूरॉन हुए कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं कि मोनोसिनेप्टिक, याद आ रही है, और मल्टीसिनेप्टिक। ये यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स में आते हैं, क्लियर। और आप में जो दिया गया है नीजर्क रिफ्लेक्स, ये मोनोसिनेप्टिक का है, जो मैं दूसरा वाला बताया अभी जस्ट, क्लियर। यानी नीजर की रिफ्लेक्स जो होती है, ये सेकंड वाला जो अभी हमने आपको समझाया वो वही उसी का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने बनाया है, क्लियर। अभी तक हमने, इससे पहले मैं पढ़ा रहा था तो पूरा एकदम इंटरप्रिटेशन और आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्स ये सबके साथ, बट कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें रिस्पॉन्स हमें तुरंत आती हैं, क्लियर।
जैसे अचानक मेरा दोस्त ने क्या किया, मुझे अगर चिमटी काटी, तुरंत हाथ उठ करके तुरंत उस गाल पे जाता मेरा, बिना कुछ समझे सोचे। बोले बात सही है, यानी मैंने इंटरप्रिटेस ही नहीं किया कि मैं मारूंगा तो क्या होगा, बीच में हमारा दोस्ती टूट जाएगा क्या, दोस्ती गई उधर, पहले दो हाथ ले लो तू, समझ आई बात। यानी क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जहाँ पे सोचने की नहीं आई, यानी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन एसोसिएटेड एरिया नहीं आया, ये डायरेक्ट लेकर के गया। ठीक है, तीन तरीके के न्यूरॉन हैं, क्लियर। एक कैसा जाएगा, जैसे ये सीएनएस से मैसेज गया, सीएनएस से मैसेज गया और ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे गया, कहाँ पे गया बताइए, इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे गया, मान चलते हैं, क्लियर, या ग्लैंड पे गया, कहाँ पे गया, ग्लैंड पे गया। अगर ऐसी जगहों पे मैसेज जाता है अंडर कंट्रोल ऑफ, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो न्यूरॉन आ रहे हैं, क्लियर, स्पाइनल नर्व के, ये कैसे न्यूरॉन है, ये मैसेज ले करके भी जा रहे हैं, यहीं से मैसेज जा भी रहा है, यहाँ पे किस तरीके का हुआ, ये हमेशा कैसे होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, कैसे होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे भी मैसेज ले करके आ रहे हैं और मैसेज जा भी रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से भी स्टिमुलस मिलेगा तो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी, यहां से जाएगा, हमेशा डॉर्सल से ही इंटर करेगा, याद रखना है, क्लियर। यानी हमेशा कहां से इंटर करेगा, डॉर्सल से, चाहे मैं इस सरफेस पे स्टिमुलस रखूं चाहे इस सरफेस पे रखूं, वेंट्रल सरफेस हमारा ये रहा ना, यानी वेंट्रल सरफेस से अगर मैसेज जा रहा है तभी डॉर्सल रूट के ही थ्रू जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर के इंटर कराएंगे हम, क्लियर। मैसेज अगर हमारा डॉर्सल के जगह पे वेंट्रल पे जा रहा है, यहां से अगर हमने टच किया, यहाँ पे भी टच करेगा तो डॉर्सल रूट के ही थ्रू जाएगा, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन के थ्रू ही जाएगा और डॉर्सल हॉर्न पे ही जाएगा, इतनी बात क्लियर है। चाहे मैं वेंट्रल से स्टिमुलस को दूं चाहे तो डॉर्सल से दूं, दोनों में हमारे पास कहाँ से मैसेज जाएंगे, डॉर्सल रूट से ही जाएंगे, क्लियर। और अगर ये सीएनएस मैसेज दे रहा है किसको, इनवॉलेंट्री ऑर्गन को या ग्लैंड को हमारे, तो समझ जाइए ये किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और यहाँ पे अगर जा रहा है, अगर ये सी एन एस जो है, ठीक है, ये मैसेज दे रहा है वॉलेंट्री को, किसको दे रहा है बताइए, वॉलेंट्री ऑर्गन को, किसको दे रहा है बताइए, वॉलेंट्री ऑर्गन को, तो समझ जाइए सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे है ये वर्क। और अगर ये दे रहा है सी एन एस किसको मैसेज बताइए, वॉलेंट्री को, किसको दे रहा है, वॉलेंट्री ऑर्गन को दे रहा है, तो समझ जाइए क्या है हमारे पास, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसी को कहते हैं। अगर कोई भी मैसेज अगर हमारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे वर्क कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हमारे पास, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगर यही कंट्रोल कैसा जा रहा है बताए, हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन पर, तो क्या बोलेंगे उसे हम, ठीक है, जैसे इन्होंने हमें चिमटी काटी, हमें अच्छा लगने लगा, हमने कहा थोड़ा और करना, ठीक है, यानी क्या है, ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये वॉलेंट्री हमारे, क्लियर, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम इनको रोके नहीं, थोड़ा और अच्छे से करो, क्लियर। यानी ये सारे पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास क्या। अब दूसरा पॉइंट, अब बात आती है कि अगर ये जो सीएनएस मैसेज लेता आ रहा है डॉर्सल सरफेस पे, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग बैठती है, यहाँ पे रामस कम्युनिकस था, यानी यहाँ पे भी कैसा होगा, रामस कम्युनिकस भी कैसा होगा, एक तरीके का मिक्स होगा, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, नर्व किस नेचर का पूरा स्पाइनल नर्व मिक्स्ड, ये भी मिक्स्ड मिक्स्ड, सब मिक्स्ड है, पूरा सब कुछ मिक्स्ड है, समझ आई बात। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर कोई मैसेज इसके थ्रू डॉर्सल सरफेस पे जा रहा है तो इनको हम क्या बोलते हैं, रामस टेलिस, ठीक है, और इनको हम अगर वेंट्रल सरफेस पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं रामस वेंट्रेलिस, क्लियर। डॉर्सल में जा रहा है तो डॉर्सेलिस, और अगर वेंट्रल में आ रहा है तो वेंट्रेलिस, नाम बदल जा रहा है बस, क्लियर। किसके थ्रू, यहाँ पे ये रूट आएगा अलग से, क्लियर, ये रूट अलग ही बना रहे हैं, ये रूट अलग बना रहे हैं, क्लियर, ये रामस डॉर्सेलिस और ये रामस वेंट्रेलिस, क्लियर। नहीं याद रखना, नहीं समझ में आ रहा है तो हटा दीजिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि यही मैसेज अगर सीएनएस किसको दे रहा है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और ग्लैंड को हमारे, तो एएनएस, और अगर वॉलेंट्री ऑर्गन पे दे रहा है तो एसएनएस, क्लियर।
डॉर्सेलिस वेंट्रेलिस नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में नाम सुनोगे। क्लियर? इससे क्वेश्चन नहीं उठेंगे, इनके नाम आएंगे आपसे पूछेंगे, ठीक है? जिस चार ऑप्शन में ये नाम अगर दिए जाएंगे तो ये आंसर नहीं होगा, बट आपको ये उलझा देगा नाम। क्लियर? जल्दी करिए। एक लास्ट क्वेश्चन, लिम्बिक सिस्टम पढ़ा दिया है क्या? इमोशनल ब्रेन पढ़ा दिया है? तब ठीक है, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इससे कम नहीं आएगा। आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा टफ हो गया है आपके लिए, इससे इजी नहीं आएगा, ठीक है? ये सबसे इजी वे में था समझाने का तरीका। अगर इससे इजी वे में अगर कोई समझा रहा है तो समझ जाइए कुछ न कुछ स्केप कर रहा है आपसे, कुछ न कुछ चीजें चुरा रहा है, ठीक है? वो आपको बताना नहीं चाहेगा, जैसे डॉर्सल रूट नहीं बताएगा आपको, डॉर्सल हॉर्न नहीं बताएगा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन नहीं बताएगा आपको। आपको अच्छा भी लगेगा, कितना बढ़िया समझा दिया, फंस जाओगे क्वेश्चन में, गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्लियर? जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई सारी चीज़ें हम स्केप कर देंगे, ठीक है? और स्केप करने के चक्कर में आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या बढ़िया समझाया, जो 2 घंटे का 3 घंटे का चीज़ था वो 5 मिनट में समझा दिया। तो कहीं ना कहीं आपसे के साथ धोखेबाजी हो रही होगी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं होंगे, ये पक्का लिख करके ले लीजिए, उससे हमने कई बार देख लिए, अजमा लिए हैं हम लोग भी। अक्सर क्या होता था कि जब हम लोग 12th पास करने के बाद हम भी गए थे क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स में टीचर इतना बढ़िया पढ़ाया, यानी वो रट करके आता था बंदा, पूरी तरीके जैसे हम रट करके आते थे, ठीक है? आराम से रट करके आएगा, वो अपना टैलेंट दिखाएगा, देख लो बेटा हमें तो चुटकी भर में याद है, और आपको समझा भी देगा ऐसे ऐसे होता है बहुत आसानी से, बट क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे थे, उससे हो जा रहे थे क्वेश्चन, क्योंकि उसको तो आता था भाई, उसको इजी वे में समझाने भी आता था, आपसे नहीं होगा। पढ़ाने का हमारा सफलता तभी सफल होगा जब आपसे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो हम क्वेश्चंस लगा करके क्या करेंगे? आपको लगेगा कि सर हमें ही हमसे ही नहीं लग रहे हैं क्वेश्चंस, तो वाकई में कहीं ना कहीं हम त्रुटि किए होंगे जरूर, ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है? या कोई ना कोई आइडिया नहीं दिए होंगे, या फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट हम भूल गए होंगे, बताना, हर जगह यही होता है। क्लियर? इसीलिए कोई भी चीज को हम 2 बार जरूर पढ़ाते हैं, पहली बार में हो सकता है कुछ चीजें स्केप कर जाएं, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं होगा वो चीजें। अब तक कोई भी डायग्राम देख लीजिए, हम 2 बार जरूर बनाए होंगे, एक आज बनाए होंगे, एक कल जरूर बनाए होंगे, वही डायग्राम करा रहे हैं वैसे। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास, ये जो रिस्पॉन्स हुआ हमारे पास, रिस्पॉन्स कितने तरीके के हुए? रेगुलेशन 2 तरीके, एक न्यूरल और एक हार्मोनल, ठीक है? कई कई जगह पर हमें ये देखने को मिलता है न्यूरल सिस्टम और हमारे पास हार्मोनल सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं, और दोनों जब एक एक साथ काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? इंटीग्रेटिव सिस्टम। याद आ रही है? यानी हमने ये कहा कि न्यूरल सिस्टम एंड हार्मोनल इंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर, जब एक साथ यूनाइट होकर के काम करती हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में काम करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं। और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों काम कर रही है? फॉर द मेंटेन ऑफ होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस को मेंटेन बनाए रखने के लिए। अब हमें ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे नोट डाल करके कुछ बातें याद रखनी है, समझते हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर, हमारी बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब चीजें क्या हो? मेंटेन रहे, क्लियर? बट कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि सेचुरेशन पॉइंट ना आए। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या समझते हैं? जितना पॉजिटिव आयन और जितना निगेटिव आयन अगर बराबर हो गए तब भी दिक्कत है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी चार्ज पार्टिकल होती है, समझ आई बात? यानी इनको अगर हम टच करते हैं तो हमें 1 मिलीवोल्ट का झटका लगेगा जरूर, क्योंकि ये चार्ज्ड है, समझ आई बात है? यानी क्या है कि अगर हमारी बॉडी को आप टच करते हैं तो आपको करंट लगता है, बट वो करंट इनसिग्निफिकेंट होता है। हमारी बॉडी कैसी है? चार्ज बॉडी है। अगर कभी भी हमारी बॉडी न्यूट्रल हो गई, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, समझ रहे हैं बात? यानी हमें न्यूट्रल स्टेट में नहीं आना है। होमियोस्टेसिस सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये मेंटेन बनाए रखता है ऑस्मो रेगुलेशन को, क्लियर? और ये मेंटेन बनाए रखता है हमारी चार्ज्ड बॉडी को, ये मेंटेन बनाए रखता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को।
बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बनाएगा, ये बात याद रखना है, क्लियर। ये मेंटेन लाने की कोशिश करता है, सेचुरेशन पॉइंट कभी भी नहीं लाना है, ये बात हमेशा याद रखना है, क्लियर। कई बार हम भावनाओं में बह करके ये बोल देते हैं सेचुरेशन पॉइंट लाना है, जिस दिन सेचुरेशन पॉइंट आया उस दिन आप सेचुरेट हो जाएंगे, समझ रहे बात। हाँ ये बात हमेशा याद रखना है आपको, क्लियर। तो सेचुरेशन पॉइंट नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी भी जगह, अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई तो समझ जाइए हमारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी और वहीं पे हम मर जाएंगे, क्लियर। इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रही होती है, प्रोसेस जो हो रही है ऐसे चल रही है, चल रही है, कभी भी इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश मत करना, समझे बात। दूसरा पॉइंट बताते हैं, अब हमारे पास नर्वस सिस्टम में पढ़ा रहा था, तो नर्वस सिस्टम के दौरान कई तरीके की नर्वस टिश्यूज भी आती थी। आपके एनसीईआरटी की 5वीं लाइन में ये लिखा गया है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो 3 चीजों को रेगुलेट करते हैं, क्लियर। एक इनका फंक्शन है डिटेक्शन का, इनका फंक्शन है इंटरप्रिटेशन का, और इनका फंक्शन है स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद ये भेजने का भी काम। एक है डिटेक्शन, एक रिसीव करना, और दूसरा हमारे पास क्या, इंटरप्रिटेशन करना, और इंटरप्रिटेट करके रिस्पॉन्स देना। अब जो हमारे पास रिसीव कर रहा है मैसेज, स्टिमुलस को रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे न्यूरॉन के अंदर होती है, ठीक है। इसलिए इनको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इस मैसेज को लेकर के ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी, अगर जो है प्रॉपर्टी, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिट कर रही है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इस नर्व इंपल्स को लेकर के जाना, यानी एक्साइटेबिलिटी। ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे न्यूरॉन की, समझ आई बात। तो हेडिंग लाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। जितना पॉइंट छूट रहा है उतना पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ न्यूरॉन नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, सॉरी टिश्यू नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, अब सुनते हैं, सब एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान समझेंगे। अगर हमारे पास ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, पहले रिसीव कर रहा है स्टिमुलस को ना, किसको रिसीव कर रहा है बताइए, स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, तो यानी ये सेंस कर रहा है, इसलिए इनको हमने क्या बोला, सेंसिटिविटी, क्लियर। ये नर्वस सिस्टम की सबसे खास बात होती है, क्लियर। दूसरी खास बात क्या होनी चाहिए, ये ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस को, क्या कर रहा है बताइए, ट्रांसमिट कर रहा है स्टिमुलस को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, और ये रिस्पॉन्स भी कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी, इनको हम क्या बोलते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम की, क्लियर। आपके एनसीईआरटी ने इसको छोड़कर क्या लिखा है, डिटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिस्पॉन्स, यानी डिटेक्ट करना क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना और रिस्पॉन्स देना, क्लियर। ये 3 प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, ऑप्शन बोले, लिखते हैं पहले ऑप्शन में क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ, इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस सिस्टम। आज 1 घंटे तक पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही चलेंगे हमारा, क्लियर। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, नजर आएंगे, क्लियर। बट आपसे सारे क्वेश्चन इसी से लगेंगे, सारे क्वेश्चन, चलिए देखेंगे। पहला ऑप्शन लिखेंगे सेंसिटिविटी, दूसरा है हमारे पास एक्साइटेबिलिटी, थर्ड है
बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, ऑप्शन लिखिएगा, आंसर होगा डी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, मसल्स की है। समझ में आई बात है, ये गलती हो गई, ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा जो क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं। चलिए लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए पहला ऑप्शन लिखेंगे, यही चारों ऑप्शन लिख लीजिए, पहले तीन ऑप्शन लिख लिए, सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, एक लास्ट ऑप्शन में लिख लीजिएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन में बोले इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाँ इरिटेबिलिटी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी, कितने लोग एक्साइटेबिलिटी बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी कितने लोग, कंडक्टिविटी कितने लोग, इरिटेबिलिटी कितने लोग, इरिटेबिलिटी कितने लोग, कोई नहीं इरिटेबिलिटी, कोई तो हो साथ दे दे, आंसर लिखेंगे इरिटेबिलिटी, हाँ इरिटेबिलिटी आंसर यही है। समझ में आया बात, अंग्रेजी का यूज इतना हम लोगों में अजीब तरीके से होता है, इरिटेशन का मतलब हमें लगता है कि हमेशा क्रोध के लिए यूज होता है, ठीक है, नहीं, इरिटेशन टर्म हमेशा क्या होता है, न्यूरॉन के इंपल्स जनरेट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं। जैसे कि आप हमें देख करके इरिटेट होते हैं, अरे बोलो, होते हैं, यही लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, हम आपको देख करके इरिटेट होते हैं, समझ रहे बात है? अगर यही बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है। वाकई में इरिटेशन यानी हमारे पास सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी दोनों को मिला करके हम इरिटेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी किसका किसका कंबाइंड है बताइए, सेंसिटिविटी और प्लस एक्साइटेबिलिटी दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं बताइए, इरिटेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आई बात है, लिख लीजिए, तो 2016 का क्वेश्चन है, नीट एम्स में 2016, अभी ताजा ताजा है, ठीक है, मैक्सिमम टॉपर लड़के गलत करके आए थे, ठीक है, समझ आ रही बात है। इरिटेबिलिटी समझ में आई बात, बोलो भाई समझ रहे हैं, हाँ, यानी क्या है कि इरिटेबिलिटी जो होती है ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बताइए, अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो इरिटेबिलिटी हम चेक करते हैं कि उनके अंदर इरिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। आप हमें देख करके इरिटेट होते हैं, होते हैं, हाँ बोल दिया करिए, ठीक है, और हम आपको देख करके होते हैं, बहुत समझ रहे हैं बात, हाँ इरिटेशन की ये प्रॉपर्टी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आता है बात हमें,
ये नर्वस सिस्टम की एक खास बात है, क्लियर। अब बात आती है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम कई सारे नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होगा। अब यही नर्वस टिश्यू हमारे पास बेसिकली एनसीईआरटी ने दो तरीके के बोला है, हम आपको चार तरीके के बताए थे। क्या बोला है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने दो टर्म में डिवाइड किया है, हम आपको चार भागों में डिवाइड किए थे। पहला हमारे पास था क्या? न्यूरॉन। दूसरा क्या था? न्यूरोग्लिया। तीसरा हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और चौथा हमारे पास इपेंडाइमल सेल्स। आपके एनसीईआरटी ने इपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ किसको जिक्र किया है बताइए? न्यूरॉन और हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, रिवाइज हम कराएंगे तो टू दी एनसीईआरटी ही कराएंगे, क्लियर। भावनाओं में बह करके जितना एक्स्ट्रा पढ़ाया था उसको भूल जाते हैं ना, अब टोटल एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं लाइन बाय लाइन, पूरा पूरा एनसीईआरटी की लाइन से चल रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, फर्स्ट पेज से पेज नंबर 231 231 पे देख लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 321, ठीक है, यहीं पे है, क्लियर। अब सुनते ध्यान से, एक बार एनसीईआरटी की समरी में कुछ बातें लिखी गई हैं, वो बातें अभी हम समझाएंगे आपको, क्लियर। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सारी चीजें पढ़नी होगी ना, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी में जो समरी दिया गया है उसको भी पढ़ना है हमें, क्लियर। आपको नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ चुका हूँ, क्लियर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा। तो वहां पर क्या दिया गया है आपको ध्यान से सुनना है। अब यह यहाँ पे दो तरीके के नर्वस टिश्यू को बताया गया है। टिश्यू किससे मिलकर के बने हैं? सेल्स है, एक न्यूरॉन और एक हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन के बारे में यह बोला गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ साइटॉन एंड एक्सॉन। साइटॉन के पास क्या होते हैं? कई सारे हमारे पास प्रोसेसेस पाई जा रही हैं और वही प्रोसेसेस एक डेंड्रॉन में और एक हमारे पास एक्सॉन में डिवाइड होते हैं। अब पूछा जाता है कि नंबर ऑफ साइटॉन कितने पाए जाते हैं किसी भी एक कॉमन टर्म में, ठीक है। तो साइटॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है, ठीक है, और कई जगह पे जीरो भी हो सकती है, क्लियर। तो इनकी जो संख्या होती है कई कई जगह पे जीरो होती है, कई 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 पे एक होती है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि साइटॉन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर कई सारे प्रोसेसेस निकली होती है, एक लॉन्ग प्रोसेसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं और एक छोटे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। डेंड्रॉन की संख्या क्या होती है? कई ज्यादा होती है, ठीक है, और एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ कितने पाए जाते हैं? एक पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, क्लियर। ये बात याद रखना है कि एक्सॉन हमेशा सिंगल ही होंगे, ठीक है, और कई कई जगह पे होंगे भी नहीं, क्लियर। जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। अब बात आती है कि एक जो हमारे पास इफरेंट नेचर के होते हैं वो डेंड्रॉन होते हैं, और जो अफरेंट नेचर के होते हैं वो कौन होते हैं? उल्टा बोल दिया, जो अफरेंट नेचर के हैं वो हमारे पास कैसे हैं बताइए? डेंड्रॉन है, और जो इफरेंट नेचर के वो कैसे हैं? एक्सॉन है, क्लियर। अब न्यूरोग्लियल सेल के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है हम आपको समझा रहे हैं। न्यूरोग्लियल क्या है? एक तरीके की एक्स्ट्रा सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? और इन्हीं को हम गैंग्लियन भी बोलते हैं, क्लियर। ग्लियल सेल्स एक तरीके की क्या होती है? पैकेजिंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? पैकेजिंग सेल्स होती है, यानी न्यूरॉन के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के पैकेजिंग में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं बताइए? पैकेजिंग में मदद करते हैं, किस तरीके से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो बेसिकली चार तरीके के एनसीईआरटी ने बोला है। एक हमने एक्स्ट्रा बताया था वो भी सैटेलाइट के बारे में। एनसीईआरटी ने कभी भी सैटेलाइट के बारे में नहीं जिक्र किया है, सैटेलाइट वर्ड ही नहीं यूज किया है एनसीईआरटी ने, क्लियर। तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास चार तरीके के एनसीईआरटी बोल रहा है कि चार तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे नंबर वन पे आती है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्या? ओलिगोडेंड्राइट्स, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास माइक्रोग्लिया, और चौथे नंबर पे आती है स्वान सेल्स, और पांचवा एक एक्स्ट्रा बढ़ गया था जिसको हमने क्या बोला था? सैटेलाइट। समझ में आई ये बात? एस्ट्रोसाइट्स के बारे में क्या बोला गया? ये स्टार शेप्ड की शेप्ड होती है। कैसी शेप्ड की होती है? यानी एस्ट्रो का मतलब ही होता है स्टार, क्या समझेंगे? यानी ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, क्लियर। और ये एस्ट्रोसाइट्स किस में मदद करती हैं? जितना भी पॉइंट अगर छूटा गया होगा उतना लिखते जाएंगे ना, अगर कई सारी चीजें यहाँ पे नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट पोर्शन चल रहा है तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चैप्टर अगर खत्म हो और एक दो पॉइंट भी छूट जाए हमसे, उसमें बहुत बेइज्जती होती है टीचर की अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है, ठीक है। इसी वक्त हम सभी की चीजों को समेट रहे हैं, क्लियर। हमने एस्ट्रोसाइट्स के बारे में ये बोला था कि एस्ट्रोसाइट्स एक तरीके की स्टार शेप्ड की होती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है।
यानी ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या है कि हमारे पास ये ब्लड फिल्टरिंग का काम करते हैं, यानी जितने भी अच्छे ब्लड होंगे वही ब्रेन तक जाएंगे, क्लियर। और कोई भी ब्लड हमारे पास, ब्रेन अशुद्ध ब्लड तो लेता ही नहीं, इसलिए वो बैरियर का काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, ये किसमें मदद करते हैं, तो ये मदद करते हैं हमारे पास न्यूरॉन के रिपेयरिंग में। किसके रिपेयरिंग में, यानी नर्व सेल्स के रिपेयरिंग में या नर्वस टिश्यू के रिपेयरिंग में। ये लिखवाया था कि नहीं, रिपेयरिंग वाला लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, ये रिपेयरिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। रिपेयरिंग में, अब कहोगे सर जी रिपेयरिंग तो हमें समझ नहीं आया बात, क्योंकि जब नर्वस सेल्स और न्यूरॉन सेल्स अगर हमारी डैमेज हो जाती है तो शायद ये डिवाइड ही नहीं करेगी, रिपेयरिंग की बात कहाँ से आई। क्या हमारी बातों से सहमत है? अरे बोलिए। न्यूरॉन के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल नहीं पाई जा रही है, सेल डिवीजन नहीं पाई जा रही, रिपेयरिंग कहाँ से होगी? क्या हमारी बातों से सहमत है आप? तो ये रिपेयरिंग किस तरीके की रिपेयरिंग बोल रहा है, ये बाहर की सेल्स अगर टूटी हुई हैं, क्या बोला, न्यूरॉन के बाहर की सेल्स अगर टूटी हैं उनको रिपेयरिंग का काम कर रहा है, समझ आई बात है। यानी तार जो वायर गया हुआ है, वायर अगर कटा हुआ है उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग लगी गई है उसको टेप लगा करके हम रिपेयरिंग करने की बात कर रहे हैं। बोलिए बात सही है, इस तरीके की रिपेयरिंग होती है हमने। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में ये बोला गया है कि ये एक तरीके का कैसा है बताइए, मीजोडर्मल ओरिजिन बोला गया था। बाकी सारे के सारे नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू सब के सब कैसे होते हैं बताइए, एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, सभी तरीके के सेल्स एक्टोडर्मल होती हैं एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया एक ऐसी सेल्स होती है जिसकी ओरिजिन कैसी है बताइए, मीजोडर्मल है, और ये फैगोसिटिक नेचर की होती है, एस्ट्रोसाइट से ही रिपेयरिंग करता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, एस्ट्रोसाइट से रिपेयरिंग में मदद कर रहा है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ये माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है बताइए, हमने बताया ये एक तरीके का क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है और ये फैगोसिटिक नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है बताइए, फैगोसिटिक नेचर की होती है। अब नेक्स्ट आता है ओलिगोडेंड्राइट्स। ओलिगोडेंड्राइट्स क्या है बताइए, हमने ये कहा था माइलिन शीथ का फॉर्मेशन अगर सीएनएस में कोई कर रहा है तो वो कौन करेगा, ओलिगोडेंड्राइट्स। और अगर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन अगर कोई पीएनएस के अंदर कर रहा है तो कौन करेगा, स्वान सेल्स। यानी स्वान सेल्स और माइक्रोग्लिया ओलिगोडेंड्राइट्स दोनों का काम एक साथ हमने पढ़ा दिया, क्लियर। सेटेलाइट सेल्स के बारे में ये बोला था पीएनएस के अंदर कोई भी फैगोसिटिक सेल्स नेचर की अगर है तो कौन है, सेटेलाइट सेल्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ रहा था बस, क्लियर। उसके बाद क्या आया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक अगर टिपिकल न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टिपिकल न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि साइटोन पाया जाता है। साइटोन को ही हम सोमा बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोमा बॉडी बोलते हैं, या इन्हीं को हम पेरिकेरियन बोलते हैं, क्लियर। तो ये सोमा बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और उनके साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और उस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते थे, निसेल्स ग्रेन्यूल बोलते थे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करते हैं, क्लियर। इनके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी हमें नजर आते हैं, और ये न्यूरोफाइब्रिल्स हमारे एग्जॉन तक नजर आएंगे, याद आ रही है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि डेंड्रॉन भी इनके पास पाए जाते हैं कई सारे प्रोसेसेस में। एक डेंड्रॉन होते हैं, और डेंड्रॉन किस नेचर का होता है बताइए, अफरेंट नेचर का होता है, और डेंड्रॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोप्लाज्म बोलते हैं, और निसेल्स ग्रेन्यूल डेंड्रोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल डेंड्रोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, एक एग्जॉन भी लॉन्ग प्रोसेसेस नजर आते हैं, और उस लॉन्ग प्रोसेसेस को हम क्या नाम दिया, एग्जॉन। यानी साइटोन का वो हिस्सा जहां से एग्जॉन एराइज हो रहा है उसको हम एग्जॉन हाइलॉग बोलते थे, याद आ रहा है। यानी एग्जॉन हाइलॉग किसका पार्ट है बताइए, साइटोन का पार्ट है, क्लियर। सेटिंग नहीं बैठाना है कि एग्जॉन हाइलॉग इज अ पार्ट ऑफ एग्जॉन, पहला ऑप्शन दिया जाएगा आप आंख बंद करके मार करके आएंगे, जबकि गलत होगा, ठीक है। एग्जॉन किसका, एग्जॉन हाइलॉग किसका पार्ट है, साइटोन का पार्ट है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होती है। कैसी गेटेड चैनल प्रेजेंट होती है, सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होती है। अब ये भी बात याद रखिए, किसी भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए प्राइमरली अगर कोई आयंस है तो वो कौन सी आयन है, सोडियम है। यानी मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स के सभी जगह ऑर्गन की बात करेंगे तो नर्व इम्पल्स को एक्साइट कराने के लिए अगर जो डेल्टा वी की वैल्यू, नर्व इम्पल्स की जो पोटेंशियल है अगर कोई जनरेट करा रहा है तो प्राइमरली कौन सी आयन है बताइए, सोडियम। कई कई जगह पर क्या बोला,
कई कई जगह पर पोटेशियम होते हैं, बता दिए कौन सी जगह है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, कान के अंदर, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, याद आ रही है? नहीं याद आ रही, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको क्या किया जाता है, पोटेशियम आयन जिम्मेदार होता है क्रिस्टा के अंदर, ठीक है। क्रिस्टा एम्पुलेरिस लिख लेंगे, वहां पे पोटेशियम आयन होती है। कभी भी अगर आपसे गलती से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो वहां पे बता दीजिएगा, ठीक है। यानी सोडियम आयन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए, एक्सेप्ट क्रिस्टा एम्पुलेरिस, वहां पर पोटेशियम आयन होती है, क्लियर। अरे बोली बात सही है, हाँ मैक्सिमम हर जगह यही होती है, ठीक है, जनरली सोडियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा पॉइंट आता है एग्जॉन के अंदर, हमने ये देखा कि कई सारे क्या होते हैं कि माइलिन शीथ लगी होती है, और माइलिन शीथ किसकी बनी होती है बताइए, किसकी बनी होती है, एक लिपिड सेल्स की होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। ये एक तरीके के फास्फोलिपिड्स के टाइप हैं, ठीक है। जब यहाँ पे माइलिन शीथ बन रही थी, यहाँ पे माइलिन शीथ बन रही थी, तो बीच बीच में जगह छूट जा रही थी, ठीक है। और ये जो इरेगुलरिटीज पाई जा रही है माइलिन शीथ के बीच में, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, नोड्स ऑफ रेनवियर, क्लियर। अब माइलिन शीथ के ऊपर एक और कवरिंग चढ़ी, और उस माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग चढ़ रही है उसको हमने क्या बोला, न्यूरोलेमा बोला, क्लियर। और ये जो न्यूरोलेमा होती है उनके बीच में गैप नहीं नजर आ रही है, ठीक है। गैप किसके बीच में आ रही है, माइलिन शीथ के बीच में, हम वहां पे नोट डाल करके याद कराए थे, क्लियर। अब यहाँ पे न्यूरोलेमा कौन बनाती है, न्यूरोलेमोसाइट सेल्स बनाती है, ठीक है, वही आगे चल करके बना रही है। फिर एक्सॉन आगे चल करके क्या होती है कि एक एंडिंग में खत्म होती है, और उसको हम साइनेप्टिक नोक बोलते हैं, या साइनेप्टिक बटन बोलते हैं, या टीलोडेंड्राइट्स बोलते हैं, टेंड्रॉन का टीलो इंड यानी टेल रीजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्राइट्स एक्सॉन के एंडिंग को बोलते हैं, क्लियर। वहां पे क्या होते हैं, कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं, और उस वेसिकल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, और यही न्यूरो ट्रांसमीटर के क्या करता है, जब स्टिमुलस रिसीव करते हैं तो ये जाकर के कैल्शियम आयन के चैनल ओपन होते हैं, और कैल्शियम आयन के चैनल जब ओपन होंगे तो वहां से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कराएंगे, और रिलीज कराने के बाद ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है हमारे कहाँ पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास, क्लियर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा हेडिंग था, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का, यही था। हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हमारे पास माइलिन और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में हमने क्या बताया था, कुछ डिफरेंसेस बताए थे, एक हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर और एक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक हमने बताया था ये इनवलप होता है और एक होता है इनक्लोज्ड, याद आ रही है। इनवलप कौन होता है बताइए, माइलिनेटेड, और इनक्लोज्ड कौन होता है, नॉन माइलिनेटेड, बात समझ आ रही है। अगर कोई भी ये कैमरा है, इससे इनक्लोज्ड कौन कर रहा है बताइए, आप लोग, अगर यही सर आकर के चिपक जाए कैमरे से तो इनवलप, समझ में आई बात है, यानी यही इनवलप और इनक्लोज में यही डिफरेंस है, समझ में आई बात है। सेकेंड पॉइंट आता है, इनवलप और इनक्लोज करने के बाद हमने हिस्टोलॉजी बताई, हिस्टोलॉजी में हमने ये बताया कि कलेक्शन ऑफ साइटोन, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस, भूल गए, गैंग्लिया, भूल गए, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस, बोलिए, न्यूक्लिया, सॉरी उल्टा हो गया, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस न्यूक्लियाई, ठीक है, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस गैंग्लिया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस ट्रैक्ट, क्लियर, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस नर्व, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी की बात आती है, किसका, कंडक्शन का, कंडक्शन ही था ना, कंडक्शन के बारे में हमने साफ साफ जल्दी जल्दी पॉइंट रिवाइज करा रहे, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहला क्या स्टेट आया था, पोलराइज, दूसरा क्या आया था, डीपोलराइज, तीसरा क्या आया था, रिपोलराइज, चौथा क्या था, हाइपर पोलराइज, पांचवा रिकवरी, भूल गया क्या रिकवरी को, क्लियर। पोलराइज स्टेट में क्या आएगा हमारे पास, जब हमारे पास एक्सॉन एक्सोलेमा के ऊपर अपर सरफेस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव, और उनकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी है बताइए, -70 mV है, तो इसे हम ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट बोलते हैं। उस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है बताइए, पंप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पंप क्या करता है बताइए, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है, यही बात हुई थी। दूसरा पॉइंट आता है डीपोलराइज, जब भी कोई भी स्टिमुलस मिलती है तो एक्सोलेमा की परमिएबिलिटी चेंज होती है, एक सोडियम आयन अंदर, पोटेशियम आयन बाहर, सोडियम आयन कैंसिल करेगा सारे के सारे निगेटिव आयन्स को, और अंदर की तरफ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाहर की तरफ कैसा आएगा, निगेटिव, यानी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज, ठीक है।
वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बताइए हमारे पास, +45 मिलीवोल्ट। क्लियर, ये डिपोलराइज बताया था, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि रिपोलराइजेशन किसे कहते हैं, रिपोलराइज का मतलब फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आने को क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन के दौरान हमने ये कहा था कि पोटेशियम आयन अब कहाँ होगा, अंदर की तरफ आएगा और सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, और उसके अलावा कुछ गेटेड चैनल भी हमारे क्या होंगे, ओपन होंगे। सोडियम गेटेड चैनल एंड पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं, क्लियर। सोडियम गेटेड चैनल होंगे तो कहाँ पे जाएंगे, बाहर की तरफ सोडियम जाएगा और अंदर की तरफ पोटेशियम आता चला जाएगा, क्लियर। फिर से वही पोलराइज स्टेट आना लगेगा, आने लगेगा, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। और कई बार ऐसा होता है भावनाओं में बह करके कई ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन में चले जाते हैं, यानी वो कितना हो जाता है बताइए हमारे पास, -85 से लेकर के 90 मिलीवोल्ट तक चली जाती है वो, याद आ रही है बातें, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइज, ठीक है। फिर से रिकवरी पीरियड आने की कोशिश करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये ग्राफ वगैरह तो हटा ही दीजिए, ठीक है, इतना ज्यादा है नहीं। साइनेप्स आते हैं, ठीक है, साइनेप्स की बात कर लेते हैं, तो जहां पर खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, फिर रुके रहते हैं ना इसी पे, इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, आगे के कंटिन्यू करेंगे कल, और किस चैप्टर से, हार्मोन से, ठीक है।